हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे स्किन टाइटनिंग की रेमेडीज मांगी थी, एंटी रिंकल एंटी एजिंग की रेमेडीज मांगी थी। सो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी लेके आई हूँ। कितनी भी आपकी लूज स्किन हो गई हो, चाहे वो एज से हो गई हो या फिर वेट लॉस करने से हुई हो या फिर किसी और फैक्टर से हुई हो, अगर आपको फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है यानी कि झुर्रियां हैं, फेस पे ऐसे लाइन्स है, लाफ लाइन्स हो जाते हैं, आंखों के पास ऐसे झुर्रियां हैं, तो ये रेमेडी आपके बहुत काम की है। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पसंद आएगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कुछ ऐसी ही रेमेडीज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको लेना है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी। एक चम्मच आपको फ्लैक्स सीड्स लेना है और एक चम्मच लेना है मसूर दाल। इन दोनों ही चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है, पीस के पाउडर बनाना है, जितना फाइन पाउडर हो सके उतना फाइन पाउडर। एक ग्राइंडिंग जार में डाल के अच्छे से इन्हें आप पाउडर बना लीजिए। तो यहाँ हमारा पाउडर बन के तैयार है। मैं दोस्तों इस पाउडर को स्टोर कर लेती हूँ बाद में यूज़ करने के लिए भी, आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल हमें एक से दो चम्मच का यूज़ है तो हम एक से दो चम्मच निकाल लेंगे, दो चम्मच निकाल लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल। आपको नॉर्मल पानी नहीं डालना है, आपको सिर्फ रोज़ वाटर ही लेना है। रोज़ वाटर में आपको इसे सोक करना है कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और जेल लाइक कंसिस्टेंसी में हो जाए। मिक्स करके इसे हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद थोड़ा सा ये जेल लाइक हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच हनी यानी कि शहद, और एक चम्मच हमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं और मार्केट वाला भी, किसी भी ब्रांड का भी ले सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमारा स्किन टाइटनिंग पैक बन के तैयार है। इसे हम अपनी स्किन पर लगा लेंगे इस तरह से सर्क्यूलर मोशन में। बहुत ही जेंटली लगाना है दोस्तों, हमेशा आप लोगों को रिमाइंडर देती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में रहती है ताकि आप सबका टाइम वेस्ट नहीं हो, बट आपको बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है इस तरह से। थोड़ा सा दरदरा ये रहता है क्योंकि इसमें मसूर दाल है, तो थोड़ा सा दरदरा बनेगा, बट आपको इसे जेंटली मसाज करना है। एक मिनट तक हम मसाज ऐसे करेंगे, इससे आपकी डेड स्किन भी निकल जाएगी और आपकी स्किन में जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो भी निकल जाएंगे। एक मिनट तक मसाज करें, स्किन पे किसी भी तरह की डिस्कलरेशन है यानी कि थोड़ी सी पिगमेंटेशन टाइप की हो गई है तो वो भी ठीक हो जाता है। एक मिनट तक मसाज करने के बाद आपको दोबारा से इसे रीअप्लाई करना है। और मैं हर पैक में हमेशा ये बताती हूँ कि एक मिनट तक मसाज ज़रूर किया करिए, इससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक मिनट तक मसाज करने के बाद आपको दोबारा से अप्लाई कर लेना है, एक अच्छी लेयर इस पर आप अप्लाई कर लें, पूरे फेस पे एक अच्छी सी लेयर अप्लाई कर लें। अगर आपको नेक में भी सैगिंग की प्रॉब्लम है, नेक की स्किन भी ढीली हो रही है, तो आप नेक पे भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और उसके बाद वॉश करके आएंगे। दोस्तों, स्किन टाइटनिंग तो होगी ही, साथ ही साथ स्किन इतनी फ्लॉलेस लगेगी, इतनी बढ़िया आपकी स्किन चमक जाएगी कि यू विल थैंक मी फॉर दिस वीडियो। टाइटनिंग तो आपको पहली बार से ही महसूस होगा, आपके चीक बोन्स टाइट हो जाएंगे, आपकी जॉ लाइन थोड़ी सी टाइट लगेगी। सो गाइस, उम्मीद है आज की इजी सी DIY रेमेडी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपनी एज से डेफिनेटली यंगर लगने वाले हैं इसे यूज करने के बाद। जो भी चीजें आज मैंने यूज की हैं, इनमें होती हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, ये आपकी स्किन को टाइट करने के साथ साथ अपलिफ्ट करती है और आपकी स्किन को देती है एक यंगर लुक। अगर आप भी समय से पहले बूढ़े लगने लगे हैं, यानी कि आपकी उम्र ज्यादा नहीं है बट आप अपनी उम्र से ज्यादा लगते हैं, तो इस रेमेडी को फॉलो जरूर करिएगा। देखते ही देखते आपकी स्किन से सारी एजिंग साइंस खत्म हो जाएंगी, यानी कि किसी भी तरह की लाइंस या फिर रिंकल्स या फिर आपको स्किन डिस्कलरेशन हो गया है, तो ये सारी चीजें क्योर हो जाएंगी। सो गाइज, इसे ट्राई जरूर करिएगा। हफ्ते में आप इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं। पसंद आए वीडियो, इफेक्टिव लगे, आपकी स्किन के ऊपर काम करे, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा विद द बेल आइकन। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।